तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई कर रहे हैं, बट देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। 93% ऑप्शन बायर जो है लॉस में है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनता है या नहीं बनता है? अगर देखिए दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही क्विक रहना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेकर बैठ गए, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया ना, तो प्रीमियम डीके होके आपको लॉस ही होने वाला है। तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, देखो ऑप्शन बायर कौन एक अच्छा पैसा बना पाता है कि चलो इसके पास बहुत अच्छा सा पैसा है, अगर वो पैसा चला भी जाए तो उसको रिस्क नहीं है, तो वो क्या करता है, ट्रेड को सही से होल्ड करता है, ठीक है, और मैनेज करता है उसको, क्योंकि फियर नहीं है। जबकि आपके पास अगर लिमिटेड पैसा है तो थोड़ा सा लॉस प्रॉफिट देखने पर आप बुक करते हो। और देखिए जनरली साइकोलॉजी होती है, आदमी लॉस को, जब लॉस होता होता है तब क्या करता है, थोड़ा सा होल्ड कर लेता हूँ और रिकवर हो जाएगा, और थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ अभी रिवर्स होगा, और मार्केट उस दिन रिवर्स नहीं होता और बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन बायर जो है जो लॉस में ही रहता है। तो आज के वीडियो में अगर देखिए आपसे ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए ऑप्शन बाइंग। आज मैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टॉक ट्रेडिंग में, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग जो होती है, उसमें जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, ठीक है, जिसमें 90% लोग लॉस में है, जबकि इसमें 60-70% लोग ही लॉस में है, ठीक है। तो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग जो है आपने सुना होगा, एक बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें अंदर निकाल सकते हैं। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए कैपिटल कम लगता है ना, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, 10-15 हज़ार से भी वो लोग बाय कर सकते हैं। जबकि स्टॉक में क्या है, थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है, बट अगर आप एक कैपिटल अच्छा मार्केट में लेके आके स्टॉक ट्रेडिंग ट्राई करोगे तो अच्छा प्रॉफिट आप निकाल पाओगे, ओके। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक स्ट्रेटेजी जो हम स्टॉक के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है ओपन इज इक्वल टू हाई और ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है। ये क्या है वो सब डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज संडे है तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनाएंगे, और बट आपको पूरा तरह से वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आ जाए, उसके हिसाब से मैं सारे डिटेल इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है कि भाई ओपन इज इक्वल टू हाई है, ठीक है, ये कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है। तो क्या है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको दिख रही, ओपन इज इक्वल टू हाई, मतलब कोई कैंडल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंडल्स कैसी है, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ, ओके। ये देखिए ये वाली कैंडल हम समझते हैं यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कैंडल के जो ओपनिंग प्राइस है ना, वही उसका हाई लगा है, ठीक है। आप देखो कैंडल जो ओपन हुई है वही उसका जो है हाई पॉइंट है, वहां से डायरेक्टली ये गिरा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कोई ऊपर की तरफ नहीं गया है, ओके। तो ये क्या हुआ, ओपन इज इक्वल टू हाई। अब कैंडल के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम लोग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैंडल कहाँ ओपन हुई, तो आप देख सकते हो कैंडल यहाँ ओपन हुई, इसने हाई लगाया, लो लगाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से देखिए आप लोग बहुत अच्छे से, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इन सब बातों का उनको नॉलेज होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको डीप में समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है, मैं सिंपल रखूँगा। देखो कोई कैंडल क्या होती है, यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद उसने हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या हुआ, लो लगाया, बट वो जो है यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ आके क्लोज हो गई, तो इस तरह से कैंडल बनती है। बट अगर कोई कैंडल यही पे ओपन हुई और यही पे इसने हाई लगा के नीचे की जगह तरफ जाके इसने क्लोजिंग की, तो ये जो है ओपन इज इक्वल टू हाई, राइट, ये एक कैंडल स्टिक है, ओके। और ये जो कंडीशन है जब भी बनती है, ओके, ये जो कंडीशन है, स्टॉक जब ओपन होता है और उसमें ओपन इज इक्वल टू हाई लगता है,
ठीक है, इस तरह की कैंडल अगर फॉर्म होती है जिसके अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई फर्स्ट कैंडल में, ठीक है, फर्स्ट कैंडल में अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो उस दिन उस स्टॉक के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब 60-70% होते हैं। जैसे कि देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया उसके बाद करीबन ये 3-3.5% जो है स्टॉक जो है गिरा है। ओके, ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब देखो, अब देखो आप सोचोगे कि सर ये ओपन इज इक्वल टू हाई है ये तो आपने चार्ट को देख के बता दिया, पर लाइव मार्केट में मुझे इतने सारे 500 निफ्टी 500 स्टॉक है उसमें से मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू हाई बना है। ओके, तो वो फाइंड कैसे करें वो भी मैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, ओपन इज इक्वल टू लो, ठीक है। तो ओपन इज इक्वल टू लो क्या है कि कैंडल क्या हुई, जहां खुली वहीं से इसने लो लगा दिया, वहीं से ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब देखो ट्रेडिंग व्यू का एक फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में देखियो कैंडल कैसी दिख रही है, ये जो कैंडल है ये गलत है, ठीक है, थोड़ा सा ये गलत रहती है फर्स्ट कैंडल, क्योंकि वो प्रीवियस डे का भी थोड़ा बहुत कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह की कैंडल है, जबकि हमारे जो धन का जो चार्ट है उस पर आप देखिए लॉरेंस लैब का जो चार्ट है उसमें ओपन इज इक्वल टू लो है, मतलब कैंडल जहाँ ओपन हुई उसने लो लगा दिया। तो जब भी ओपन इज इक्वल टू लो बनता है वहीं से मार्केट जो है बुलिश होने के चांसेस रहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जो भी बायर्स है अगर किसी स्टॉक में उनको पता है कि अभी यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो बड़े प्लेयर करते सुबह पहले कैंडल में एंट्री बनाते, खुल के साथ ही एंट्री बनती है। तो खुलते साथ ही अगर उसमें ओपन इज इक्वल टू लो बना मतलब बहुत अच्छी डिमांड है स्टॉक में, आज ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हो करीबन 4-5% जो है ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकला है। तो आपको ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं जिसके अंदर ओपन इज इक्वल टू हाई हो, ओपन इज इक्वल टू लो हो, तो आप जो है वो अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया कि कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मार्केट खुलते ही नीचे पहली कैंडल से ही नीचे गिरा है, ओपन इज इक्वल टू हाई मतलब ऊपर कोई वीक नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे स्टॉक में आप लोग जो है डाउनसाइड का ट्रेड बना सकते हो। और कोई स्टॉक के अंदर ओपन इज इक्वल टू लो है मतलब खुलते ही इसमें बाइंग हुई है, तो ऐसे स्टॉक में आप लोग बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग स्टॉक फाइंड आउट कैसे करें, ठीक है। तो आपको देखिए सिंपल करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैं सब बंद कर देता हूँ। आपको सुबह 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे आपको क्या करना है, 9:30 से 9:30 बजे आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है ओपन इज इक्वल टू लो चार्ट लिंक, ठीक है। तीन कैंडल देखिए थोड़ा सा डेटा डिले आता है, इसलिए मैंने 9:20 से लेकर 9:30 तक आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट पे जाना है। इस पे देखिए ओपन इज इक्वल टू लो, यहाँ पे क्या है ओपन इज इक्वल टू लो बता स्क्रीनर है, तो उसमें आपको बता देगा कि कौन कौन से स्टॉक में ओपन इज इक्वल टू लो है। जैसे कि टोरन फार्मास्यूटिकल जो है इसमें अंदर ओपन इज इक्वल टू लो का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखते हैं ये रहा, ठीक है। ये देखिए ओपन इज इक्वल टू लो है मतलब ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ भी जाए, देखो थोड़ा सा रिटेस्ट होगा कैंडल, बट अगर यहाँ पे भी आपने एंट्री बनाई होगी तो आपको 2% का रिटर्न इसने डे एंड पे आपको दिया है। ओके, उसके बाद कौन सा स्टॉक है, डीवीस लेबोरेटरी, ये जो है इसमें भी हम सर्च करते हैं। ओके, ये कोई अलग खुला है, डीवीस लेबोरेटरी जो है। ओके, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें भी ओपन इज इक्वल टू लो था, बट अगर कैंडल बहुत बड़ी बन जाए ना, आप देखो 9:15 की कैंडल ही अगर आपकी 1.5% की बन जाए तो उसमें आप एंट्री बना के क्या ही मिलने वाला है। ओके, तो कुछ कंडीशंस हैं मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये हुआ ओपन इज इक्वल टू लो का सिनेरियो। अब हम लोग ओपन इज इक्वल टू हाई का सिनेरियो भी चेक कर लेते हैं कि अगर ओपन इज इक्वल टू हाई बना है तो कौन कौन से स्टॉक में बना है। तो देखिए ये सारे स्टॉक में जो है ओपन इज इक्वल टू हाई का सिनेरियो बना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग स्टॉक है, तो हम लोग एक दो स्टॉक चेक कर लेते हैं कि ओपन इज इक्वल टू हाई के हिसाब से ये जो है कितना अच्छा है। देखो यहाँ पे देखो ओपन इज इक्वल टू हाई लगा है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज जो है करीबन 5% स्टॉक गिरा है। ओके, उसके बाद जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो भी हम चेक करते हैं। देखो 5% हमें पूरा नहीं लेना है, हमें 1-1.5%, 2% भी अगर मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ पे गिरा है करीबन 3%, ये भी गिरा है। ओके, यहाँ पे देख सकते बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे, बट
उस सभी स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है हमें, उनमें से भी कुछ फिल्टर आउट करना है। जैसे कि ये वाला वोल्टास वाला कितना गिरा है, करीबन 3% गिरा है। ओके, तो आपको समझ आ गया करना क्या है। सुबह मॉर्निंग में जाके ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो वाला स्क्रीनर पे जाके स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन क्या देखनी है आपको, ठीक है। अब कंडीशन में देखो, मैं एक वन डे टाइम फ्रेम पे पहले जाना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम देखना है। ओके, जो भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाओगे उसका जो है वन डे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम देखना है। अगर देखो यहाँ पे वोल्टास है और यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, और इसका जो सेलिंग का मतलब आज के दिन सेलिंग हुई है, मतलब आज हमारा हम एंट्री बनाने वाले, तो प्रीवियस डे में भी क्या होनी चाहिए, सेलिंग होनी चाहिए। मतलब जो जनरली देखिए, जो भी बड़े सेलर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पहले ही बना लेते हैं, तो आज अगर बड़ा मूव आने वाला है तो कल भी जो है यहाँ पे सेलिंग की ही कैंडल होनी चाहिए, सेलिंग का वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक में जो है गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंपेयर टू अगर यहाँ पे बाइंग है तो यहाँ पे सेलिंग होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर यहाँ पे सेलिंग है तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट में सेलिंग ओपन इज इक्वल टू हाई बनेगा तो हम लोग पोजिशन बना लेंगे। उसी तरह से बाइंग में भी आपको वैसा ही करना है। जैसे कि लॉरा स्लैब है तो उसमें भी वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या था, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पे तो सेलिंग का वॉल्यूम है। ओके, बट जनरली आपको क्या करना है, वॉल्यूम चेक करना है। सेलिंग का वॉल्यूम है मतलब ये गिर भी सकता है, ये ओपन इज इक्वल टू हाई बना के ट्रैप भी कर सकता है, तो ऐसे हमें नहीं करना है। ओके, थोड़ा सा क्राइटेरिया रखना है। देखो कई बार मार्केट जो है हमारे हिसाब से नहीं चलता है, बट आपको क्राइटेरिया क्या रखना है उसी तरह से रखना है जैसे आप मैं रोज बता रहा हूँ कि आपको अगर सेलिंग साइड पोजिशन बनानी है तो आपको प्रीवियस डे में भी सेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कैंडल बनी है, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा है, रेड बना है, बट यहाँ पे कैंडल ग्रीन है, तो ऐसी जगह पे हम लोग जो है ओपन इज इक्वल टू लो पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। उसके बाद और एक कंडीशन अगर आप देखना चाहो कि चलो ये कंडीशन नहीं है बट अच्छी खासा वॉल्यूम भी फर्स्ट कैंडल में आना चाहिए, ठीक है, तभी एक अच्छा देखो फर्स्ट कैंडल में एक अच्छा वॉल्यूम आया है यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो पिछला जो सेलिंग है उससे एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे आया है, तो ऐसे स्टॉक भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट चीज कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, चार्ट लिंक से करना है, पर कंडीशन ऑफ बाय क्या होगी हमारी, कि प्रीवियस डे भी कंटिन्यूशन होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस डे में अगर ओपन इज इक्वल टू प्रीवियस डे, देखो अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो क्या होना चाहिए, प्रीवियस डे में भी सेलिंग कैली कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। सेलिंग वॉल्यूम होना चाहिए मतलब रेड कैंडल होना चाहिए। ओके, ओपन इज इक्वल टू हाई है तो प्रीवियस डे में भी सेलिंग कैंडल होनी चाहिए। उसी तरह से अगर ओपन इज इक्वल टू लो है तो प्रीवियस डे में भी क्या होना चाहिए, हमारा एक ओपन इज इक्वल टू अगर लो है तो प्रीवियस डे में बाइंग का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तभी थोड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि मार्केट है किसी स्टॉक में अगर ओपन इज इक्वल टू लो बना फिर भी वो नीचे गिर जाता है, ओपन इज इक्वल टू हाई बना फिर भी वो ऊपर चला जाता है। बट अगर थोड़ी बहुत कंडीशन हम लोग यूज करें तो हम लोग इससे थोड़ा सा बच सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड कंडीशन आपको देखनी है कि फर्स्ट कैंडल में एक अच्छा सेलिंग वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू हाई है तो फर्स्ट कैंडल में एक अच्छा सेलिंग वॉल्यूम भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहां लिख देते हैं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल मस्ट हैव गुड सेलिंग वॉल्यूम, ठीक है, एक अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, सेलिंग। ओके, कंडीशन हम लोग सेलिंग मस्ट हैव गुड वॉल्यूम लिख देता हूं मैं, ठीक है, मतलब आप समझ जाइए कि सेलिंग वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यह उसी तरह से इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें भी आपको सेम है कि अगर आपका ओपन इज इक्वल टू लो है तो आप में जो है यहाँ पे एक अच्छा बाइंग वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस डे गुड बाइंग
वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो ये दो कंडीशन मोस्ट ऑफ है, ये अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। और कोई चीज़ अगर चेक करनी हो ना तो आपको क्या करना है, करंट एंड प्रीवियस डे वीवैप जो है उसको फॉलो करना है, ठीक है। करंट एंड प्रीवियस डे वीवैप एक इंडिकेटर है, तो ओपन इज इक्वल टू हाई है और हाई जो है प्रीवियस डे वीवैप को ब्रेक कर रहा है ना, तो एक अच्छे चांसेस बनते हैं, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू हाई है और ये देखो यहाँ पे ये वीवैप है और ये प्रीवियस डे वीवैप है, अगर मार्केट प्रीवियस डे वीवैप को ब्रेक करेगा तो अच्छा ट्रेड बन सकता है। उसी तरह से अगर बाइंग साइड की ट्रेड के लिए भी अगर हम देखें और करंट डे और प्रीवियस डे वीवैप हम लोग लगा देंगे, ठीक है, तो अगर ये प्रीवियस डे वीवैप से ऊपर ओपन हुआ है, ये देखिए प्रीवियस डे वीवैप ये येलो कलर की लाइन है इसके ऊपर है, मतलब ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ये प्रीवियस डे वीवैप से नीचे ओपन हुआ है, भले ओपन इज इक्वल टू लो है, पर ये प्रीवियस डे वीवैप से रिजेक्शन ले सकता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी। कि अब थर्ड कंडीशन भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्या है थर्ड कंडीशन, ओपन इज इक्वल टू हाई है तो क्या होना चाहिए कि मस्ट बिलो प्रीवियस डे वीवैप, ओके, ये थर्ड कंडीशन है। और उसके बाद हम लोग बाइंग में भी ऐसा ही करेंगे, क्या होना चाहिए, बाइंग में भी हम लोग वैसा ही करेंगे कि क्या होना चाहिए कि प्रीवियस डे वीवैप जो है उससे जो है ये ऊपर होना चाहिए बाइंग साइड के लिए जाने के लिए, ठीक है। इसको भी हम लोग एडिट कर देते हैं, यहाँ पे लो लिख दूंगा। उसके बाद देखिए ये जो कंडीशन है इसका स्क्रीनशॉट है, आप ले लेना, उसके बाद लाइव मार्केट में पहले आप इसको बैक टेस्ट करोगे, उसके बाद ही यूज़ करोगे, ठीक है। इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 9:30 से 9:30 के बीच के में आपको चार्टलिंक की वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ ओपन इज इक्वल टू लो और ओपन इज इक्वल टू हाई वाले स्टॉक जो है अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको ओपन इज इक्वल टू हाई है तो ये जो कंडीशन है ये तीन कंडीशन चेक करनी है, ओपन इज इक्वल टू लो है तो ये तीन कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन है, अगर ओपन इज इक्वल टू हाई है तो प्रीवियस डे में एक सेलिंग वॉल्यूम होना चाहिए और उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल में एक अच्छा सेलिंग वॉल्यूम आना चाहिए और जो जो स्टॉक है वो प्रीवियस डे उसका जो वीवैप है उससे नीचे होना चाहिए। अगर ओपन इज इक्वल टू लो है तो प्रीवियस डे में बाइंग होनी चाहिए और ओपन इज इक्वल टू लो है तो प्रीवियस डे में एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम जो है फर्स्ट 5 मिनट, ओके, यहाँ पर चेंज करना बाकी रह गया है कि फर्स्ट 5 मिनट में एक अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए, फर्स्ट 5 मिनट एक अच्छा वॉल्यूम जो है आना चाहिए और उसके बाद जो है वो स्टॉक जो है प्रीवियस डे वीवैप से ऊपर ट्रेड होना चाहिए, तो हम जो है ऐसे स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर बनता है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे आप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो।